आइए अब ये जान लें कि मौसम और मक्का की खेती का तालमेल क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का चुनाव और मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। किसान भाइयों, बीजों के अंकुरित होने से लेकर नर मंजरी के निकलने की अवस्था तक तापमान मक्का की फसल को प्रभावित करता है। रबी मक्के की बुआई के समय वायुमंडल का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि पौधों में फूल निकलने के दरमियान या परिपक्वता के समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा परिणाम देती है। इसके अलावा रबी मक्का की अपनी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे आमतौर पर रबी मक्का की खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जहां ठंड के दिनों में तापमान 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो और जहां ओले भी नहीं पड़ते हों। मक्का पकने की अवस्था को छोड़कर शेष अवस्थाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। साथ ही फसल पकने के समय गर्म और शुष्क वातावरण ही ठीक होता है। उन सभी प्रकार की मिट्टियों जिसमें वायु संचार अच्छा हो, पानी का निकास उत्तम हो और जैव अंश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ जिस मिट्टी का पीएच मान 8 तक हो, उसमें मक्के की खेती की जा सकती है। ध्यान रहे कि कम जल धारण क्षमता वाली बलुआही और बहुत अधिक जल धारण क्षमता वाली भारी मिट्टी मक्के की खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। खेत की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां सिंचाई आसानी से की जा सके। मक्के की खेती के लिए जमीन ऐसी चुने जहां जल जमाव ना हो, क्योंकि जल जमाव से पौधे पीले पड़ जाते हैं।